हेलो एवरी वन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल स्नेहल्स लाइफ स्टाइल। हम लोगों ने आज हरतालिका की पूजा सेलिब्रेट की है, आइए देखते हैं कैसे हुई है। देखिए अभी हम रोड धो ले रहे हैं क्योंकि हम नदी पर नहीं गए, कल जाएंगे। आज खाली हमको गौरी माँ को धोकर रखना होता है और घर में पूजा करनी होती है। वैसे तो आज भी लोग जाते हैं नदी पर, तालाब पर लेकर गौरी माँ को, पर हम लोग आज घर पर ही कर रहे हैं। तो हम लोग एक टब में पानी भरकर उसमें गौरी माँ को नहलाएंगे या धोएंगे, तो उनको रखने के लिए हम वहाँ की जगह साफ़ कर रहे हैं। हमारे बच्चे देखिए कैसे शरारत कर रहे हैं, और ये अभी गौरी को लेकर आ गए हैं और यहाँ पर गौरी को रख रहे हैं। और हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम गौरी को किधर रखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग उस साइड रखे थे पर वहाँ पर धूप थी, इसलिए इस बार हम लोग छाँव में रख रहे हैं। अभी सब धोकर हो गया है और अभी हम बातें कर रहे हैं। सब कुछ धोकर होने के बाद में हम लोग अभी यहाँ पर रंगोली बनाते हैं। रंगोली बनाकर उसकी रंगोली में हल्दी कुमकुम डालते हैं, उसको गौरी माता को स्थान देना कहते हैं, जहाँ पर हम गौरी माता को धोकर उसके ऊपर रख देंगे। रखकर फिर उनकी वहाँ पर पूजा करेंगे। तो देखिए अभी दो सुहागन औरतें गौरी पकड़कर धो रही हैं, मतलब पांच सुहागनों का महत्व है, तो पांचों भी हाथ लगाकर वहाँ पर खड़ी होती हैं और गौरी मैया को नहलाकर वहाँ पर रख दिया जाता है पूजा करने के लिए उनके स्थान पर। इसे हरितालिका पूजा भी कहा जाता है, गौरी पूजा कहते हैं, और कहीं कहीं इसे तीज कहा जाता है। तो जैसे ही गौरी जी आज गौरी जी बैठते हैं और कल गौरी जी उठते से ही गणपति बैठाए जाते हैं, क्योंकि जैसे गणपति जी की माँ है गौरी जी, तो माँ चली जाती है और बेटा आकर विराजमान होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर गौरी का बहुत महत्व है, एकादशी पूजा भी कहते हैं इसे, एकादशी का व्रत भी रखते हैं सुहागन औरतें, और इसे महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। और अभी यहाँ पर मट्टी निकाली जाएंगी शिवलिंग बनाने के लिए, और यहाँ पर देखो मेरी मम्मी गाना गा रही है, सुनिए सर। और देखिए मैं इसमें रेती लाला कर डाल रही हूँ ताकि उसमें से रेत निकाल कर हम शिवलिंग बना सके। तो ऐसे पांच सुहागन औरतें आती हैं और नदी में से रेती निकालते हैं और शिवलिंग बनाया जाता है, और फिर उस शिवलिंग की पूजा की जाती है, और फिर गौरी शंकर जी की पूजा की जाती है। सबका हो चुका था और ये छोटी बच्ची आकर कहती है कि मेरी भी गौरी धोकर दीजिए, तो मेरी मम्मी उसकी भी धोकर दे रही है और गाना भी गा रही है साथ में। बोलते हैं ना छोटे बच्चे फेस्टिवल ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो यही है। अभी देखिए मम्मी शिवलिंग के पास में रंगोली बना रही हैं और सब लोग यहाँ पर हल्दी का शिवलिंग बना रहे हैं, क्योंकि हल्दी का शिवलिंग बनाना भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि शिव जी को हल्दी बहुत पसंद है, और इसलिए हल्दी का शिवलिंग बनाकर उसको गौरी के अंदर रखा जाता है, और फिर कल सुबह जब गौरी माँ को निकाल देते हैं तब उनके साथ में शिवलिंग को भी, तो उनको भी पानी में गौरी माँ के साथ में विसर्जित कर दिया जाता है। तो देखिए अभी यहाँ पर सब लोग अपना अपना शिवलिंग बनाकर गौरी में रख देंगे, और फिर उस शिवलिंग की और जो हमने रेत का शिवलिंग बनाए थे उसकी पूजा करेंगे। अभी गौरी मैया की पूजा कर रहे हैं, उन पे हार फूल और वस्त्र और उनका सामान होता है श्रृंगार का, वो सब चूड़ी हल्दी कुमकुम गेहूँ ये सब डालकर उनकी पूजा की जाती है। अभी ऑलमोस्ट सबकी पूजा हो गई है और अभी आरती की तैयारी की जा रही है, पूजा की तैयारी कर रहे हैं। भाभी दिया जलाने की कोशिश कर रहे हैं, मम्मी वगैरह सब, पर दिया नहीं जल रहा है क्योंकि तब हवा शुरू हो गई थी। अभी आरती कर रहे हैं सब लोग। आरती हो जाने के बाद में
सबका फोटो सेशन चलेगा गौरी लेकर। देखिए अब आरती गाई जा रही है, आरती कर रहे हैं अभी, और हवा बहुत तेज चल रही थी तो सब लोग डर रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग में हवा नहीं थी बिल्कुल भी, बहुत गर्म हो रहा था। और जैसे ही हमने दिया लगाकर आरती करना शुरू किए, बस हवा चल गई। देखिए हमारी गौरी कैसे सज गई है और कितनी अच्छी दिख रही है, गौरी बहुत ही अच्छी निकली है सबकी। अभी सबकी पूजा वगैरह हो गई है, अभी इसके बाद में सब लोग उखाने लेंगे। सुनिए सबके उखाने, देखिए अब मेरी मम्मी कैसे उखाना लेती। गौरी पूजनाच्या वेळेला पूजेच्या साहित्यात अगरबत्तीचा पुडा प्रवीण रावांच्या नावाचा बदला मी हिरवा झाला यांनी देता ना गो मला लवकर लवकर काय होत ग गौरी पूजेला फूल घातले वाचून नरेश रावांचं नाव घेते सगळ्यांचा मान राखतो वा वा घ्या लवकर पावसी वैंड ते एक एक येते मंगळा गौरीच्या दिवशी पूजा करते तो देखिए फ्रेंड्स अभी पूजा हो गई है और जो हमने रेत के शिवलिंग बनाए थे अभी उसको पानी में डाल रहे हैं और फिर उस जगह को धो देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारी महाराष्ट्रियन रिचुअल्स आपको आप तक पहुंचा होगा। व्लॉग देख आप सबको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए, और आपके तरफ कैसे करते हैं ये भी बताइए, क्योंकि गणेश जी के एक दिन पहले हरतालिका एकादशी आती है और ये ऑलमोस्ट सभी जगह पर मनाई जाती है, पर हमारे तेलंगाना में तो नहीं मनाती है। महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छे से मनाई जाती है, और मेरी शादी तेलंगाना में हुई है तो उधर बतकम्मा फेस्टिवल अच्छे से मनाते हैं। आप बताइए फ्रेंड्स आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड।